वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं साल 2018 में कन्नड़ लैंग्वेज की फिल्म गुंटू के बारे में। दोस्तों, जिसके अंदर फॉर्च्यून की ऑफिशियल यूट्यूब प्रीमियर ऑलरेडी हो चुकी है और वो हुआ है एमडी सुपर साउंड नाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पर्सनली इस पिक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि इस पिक्चर की कंसेप्ट भाई सुपर्ब है। तो इस पिक्चर के अंदर फॉर्च्यून को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगा, क्या पिक्चर आपको देखना चाहिए या फिर ना चाहिए, ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातचीत ना करते हमारे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गुलटू जो कि साल 2018 में कन्नड़ लैंग्वेज की एक साइबर क्राइम थ्रिलर फिल्म थी, जिसके लीड रोल आपको नजर आएंगे नवीन शंकर, सोनू, अविनाश, रंगन, रघु के अलावा और भी काफी सारे कलाकार। जहां पर दोस्तों बात करें ये लगभग 1 घंटे 50 मिनट लंबे पिक्चर को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे कैसा लगा, तो अगर ऑनेस्टली बात करूं ये पिक्चर मेरी तो दिन बना दिया है यार। इतनी बेहतरीन पिक्चर यार, क्या बोलो। क्योंकि जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ रीजन है। तो पहले बात करें पिक्चर की कहानी की, मैं पर स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत आइडिया देता हूँ। पिक्चर की कहानी नवीन शंकर के कैटरन के अलोक को फॉलो करती है, जो कि एक हैकर है और उसके जो सपना है वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन कहानी आगे बढ़ते जब अलोक को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है कि भाई तुमने साइबर क्राइम किए जिसकी वजह से हमने तुम्हें पकड़ लिया है। अब ये बात क्या सच है या फिर अलोक इसके पीछे है या फिर ना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस पिक्चर को देखना पड़ता है। तो देखो इस पिक्चर के अंदर हमें जो स्टोरी देखने के लिए मिलती है उसकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, उसकी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि इस पिक्चर के अंदर जो लव स्टोरी, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन, उसके साथ साथ जो साइबर क्राइम होती है उसको काफी बढ़िया तरीके से स्क्रीन के ऊपर उतारा गया है, जिसकी वजह से स्क्रीन पे लेकर हमें कोई कंप्लेंट नहीं है कि भाई हाँ इस टाइम पे ऐसा सीन आना चाहिए था। लेकिन भाई सीन काफी हटके है जो कि सही टाइम पे सही जगह पे बिठाया गया है। जैसे कि मान लो इस पिक्चर की फर्स्ट हाफ में हमें जो कहानी का प्रेजेंटेशन देखने के लिए मिलते हैं उस टाइम पे जाके पिक्चर की कहानी के अंदर जो लव स्टोरी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन वही पर बात कर पिक्चर की सेकेंड हाफ की, उस टाइम पे जाके पिक्चर की जो असली मुद्दे की बात है वो निकल के आती है, यानी कि साइबर क्राइम। यार उस टाइम पे जितने भी थ्रिलर मोमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो सही में कमाल की है। इस पिक्चर की फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ की अगर कंपेयर करो तो मैं बोलूंगा इस पिक्चर की सेकेंड हाफ बहुत ही ज्यादा कमाल के कम्पेयर टू पिक्चर की फर्स्ट हाफ। लेकिन इस पिक्चर की जो लेंथ है वो मुझे पर्सनली थोड़ी कम लगी है भाई, थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी। पहली बार मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पिक्चर की लेंथ थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी। इस पिक्चर के अंदर हमें जो लव स्टोरी दिखाई गई उसको काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हमें लव स्टोरी वाली फीलिंग भी आती है कि हाँ ये जो लव स्टोरी है सच में कमाल की है। और भी इस पिक्चर के अंदर एक सीन आता है जहाँ पर एक मर्डर दिखाया गया है, उस मर्डर को इतनी भयानक तरीके से किया गया है जिसकी वजह से पिक्चर की रेटिंग 18 प्लस पड़ जाती है। बिना 18 प्लस वाली इस पिक्चर को देख के समझ नहीं पाएंगे क्योंकि पिक्चर के जो कंसेप्ट है वो कुछ ज्यादा ही हटके है, इसीलिए आपको थोड़ी बड़ा होना पड़ेगा। अब अगर बात करूं कलाकार की एक्टिंग की, तो इस पिक्चर के अंदर जो लीड एक्टर है यानी कि नवीन शंकर, उनकी काम इस पिक्चर के अंदर बहुत ही ज्यादा सुपर्ब है। उसके अलावा इस पिक्चर के अंदर जो मेन मुद्दे की बात है यानी कि साइबर क्राइम का जो सेक्शन दिखाया गया है उसको काफी बड़ी तरीके से डिटेलिंग के तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जहां पर उसी साइबर क्राइम सेक्शन के अंदर हमें एक अलग से डार्क वेब का दुनिया दिखाया गया है, जिसको काफी हटकर अलग तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट करके एकदम से समझा दिया गया कि भाई असल में ये जो डार्क वेब होते हैं वो ऐसे होते हैं। लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये पिक्चर पसंद ना भी आ सकते हैं क्योंकि भाई कहानी का जो शुरुआत होती है उसको काफी कंफ्यूजिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसकी वजह से मैं ये बोलूंगा भाई कहानी को छोड़ना मत, कहानी की शुरुआत से लेकर एकदम आखिरी पॉइंट तक आप जुड़े रहना, आप पूरी शॉकिंग में पड़ जाओगे। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी कि पिक्चर सुपर है जिसे आपको जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, इस पिक्चर की जो हिंदी डबिंग किया गया उसको और थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि ये जो डबिंग वाला है ये थोड़ी प्लेटफॉर्म पर नए आए है, इसीलिए भाई मैं बोलूंगा थोड़े और हायर लेवल कर लो। तो अगर ओवरऑल देखें गुलटू पिक्चर की हिंदी वर्जन को देखने के बाद ये पिक्चर मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा कमाल के लगी, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जगह पिक्चर को देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। तो ये पिक्चर अभी ऑफिशियली एमडी सुपर साउंड नाम की यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जगह पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल तो हुई है पर उतनी ज्यादा व्यूज नहीं आ रही है, इसीलिए मैं बोलूंगा आप जाके देखो, ये मास्टरपीस पिक्चर है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो अगर मैं पिक्चर को देख लिया आपको पिक्चर कैसे लगा हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और अगर आप देखना चाहते हो तो मैं जो रिकमेंड करूँ वही करना, बाकी तो आपकी मर्जी है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बाय बाय टाटा, गुड नाइट।